टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन ओपनर बल्लेबाजों में से एक शिखर धवन शायद अब हमें कभी भी टीम इंडिया के जर्सी में नज़र ना आए। जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया का वर्ल्ड कप 2023 का जो स्क्वाड है उसका ऐलान हो चुका है और बता दें उसमें शिखर धवन को शामिल नहीं किया गया और इसी के साथ शायद हमें शिखर धवन का करियर का अंत भी नज़र आ रहा है। तो बात करें शिखर धवन का तो बता दें कि शिखर धवन वन ऑफ द बेस्ट ओपनर बल्लेबाज थे टीम इंडिया के लिए। बता दें कि रोहित शर्मा के सबसे परफेक्ट जोड़ीदार शिखर धवन ही थे। बता दें कि शिखर धवन जो कि हमेशा से ICC के टूर्नामेंट में कमाल के परफॉर्मेंस करते थे। बता दें कि जब टीम इंडिया ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी 2013 में, उस वक्त सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी जो टीम इंडिया से किया था वह कोई और नहीं था, शिखर धवन था। यहाँ दोस्तों बता दें कि फिर टीम इंडिया जो कि एशिया कप 2018 जीता था वनडे वाला, टीम इंडिया की तरफ से जो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किए थे वह थे शिखर धवन। इसके अलावा बता दें कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी जो कि टीम इंडिया फाइनल तक गई थी और पाकिस्तान से हारी थी 2017 में, उसमें भी सबसे बेहतरीन बल्लेबाज शिखर ही धवन थे। जब भी टीम इंडिया खेली है ICC टूर्नामेंट, अगर वह शिखर धवन खेल रहे हैं तो टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कोई और नहीं, शिखर धवन ही था। लेकिन बता दें कि शिखर धवन को बाहर कर दिया गया है और उनका करियर खत्म कर दिया गया है। बता दें कि 2019 के वर्ल्ड कप जब हुआ था उस वक्त टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री भी बोले जब टीम इंडिया से इंजरी होकर बाहर हुए थे 19 में शिखर धवन, अब टीम इंडिया के लिए बेहद ही भारी नुकसान हुआ था और इसी वजह से शायद वह वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी हार गए थे न्यूजीलैंड से, यहाँ तक कह दिए रवि शास्त्री। लेकिन शायद अभी कप्तान तत्कालीन रोहित शर्मा की यह बात समझ में नहीं आ रही है और बता दें कि रोहित शर्मा को शिखर धवन की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, शुभमन गिल अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, नो डाउट, रोहित शर्मा भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन बैकअप के तौर पर टीम इंडिया में जरूर शामिल करना चाहिए था शिखर धवन, क्योंकि जो इनके पास एक्सपीरियंस है शायद ही कोई ओपनर बल्लेबाज उतना एक्सपीरियंस लेकर आए और इस बार का जो वर्ल्ड कप इंडिया में है और इसी वजह घातक हो सकते थे सामने वाली टीम के लिए शिखर धवन। लेकिन अफसोस की बात है कि अब हमें शिखर धवन शायद अब कभी भी खेलते हुए नजर नहीं आए। तो शिखर धवन का अब शायद करियर खत्म हो चुका है। आपका क्या राय है शिखर धवन की अब बेहतरीन करियर पर, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।